उपचुनाव के चलते मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू है। ऐसे में वायरल वीडियो और नेताओं द्वारा नियमों के उल्लंघन की खबरें मीडिया में सुर्खियां बना रही है। अनूपपुर से संभावित भाजपा प्रत्याशी बिसाहूलाल सिंह के वायरल वीडियो का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब मंत्री और मुंगावली से भाजपा के संभावित प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो महिलाओं को साड़ी बांटते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करने की बात कही है। साथ ही वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए तंज कसा है कि प्रचार में 35 करोड़ दिखने लगे हैं। और उधर पीएचई राज्य मंत्री राव ब्रजेंद्र राघव ने इस वीडियो का स्पष्टीकरण भी दिया है। जो 19 तारीख को 19/9 को जो कार्यक्रम रखा गया है, ये अपने जैन कमेटी के द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें मास्क और सैनिटाइजर दिए गए हैं। और ये मंत्री जी के द्वारा बताया जा रहा है कि साड़ियां दी जा रही हैं, ये झूठी राजनीति है। इससे ऐसा नहीं है, मंत्री जी को केवल घेरा जा रहा है चुनावी मामले में। ऐसा कुछ नहीं, हमने अपनी मांग रखी है और साड़ी सैनिटाइजर वितरित किए गए जैन कमेटी के द्वारा। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पहले ये कांग्रेस के ये पाखंडी लोग पूरा वीडियो अच्छी तरह से देख लिया करें, ये किसके द्वारा कार्यक्रम है, कौन क्या कर रहा है। अब चूंकि जब कार्यक्रम होता है, मुख्य अतिथि किसी को बनाया जाता है, जबकि जो बात कर रहे हैं आचार संहिता की, ये आचार संहिता से महीनों पुराना वीडियो है। ऐसे कई कार्यक्रम हुए सैकड़ों, तो लोग बटवाते हैं तो स्वाभाविक अपन बांट देते हैं। ये कार्यक्रम तो जैन समाज का था, उस सबकी साड़ियों से उनसे मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं इन पर कांग्रेसियों पर